नमस्कार दोस्तों, वीटी ब्लॉग इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी यहाँ गांव मितासर की गौशाला में हम आए हुए हैं और यहाँ जो गांव मितासर के जो हमारे युवा आप मितासर की तो युवा जो कार्यकर्ता और हमारे जो भगदी महाराज है यहाँ पर, वो भी यहीं मौजूद है, सारे यहाँ पर मौजूद है। और हमें हमारे हम जो कथा में भी यहाँ सुनने के लिए आए थे उसकी वजह से और हमारी जो जान पहचान की वजह से या गौ माता की कृपा की वजह से यहाँ पर हमने सम्मानित कर रहे हैं वो भगदी महाराज। मैं थोड़ा आपको मैं दृश्य दिखाने जा रहा हूँ, हमें ये सम्मानित कर रहे हैं। अभी ये हमारे जो गौशाला के यहाँ भगदी महाराज है संचालक सबसे हैं, और तो सभी संचालक ही है गांव मितासर के, बाकी सबसे मतलब सबसे मुख्य संचालक ये भगदी महाराज है। ये भाग सिंह जी है, ये इसी गांव के मितासर के रहने वाले हैं। हम उसको बहुत भारी मतलब बधाई देते हैं कि हमें ये सम्मानित कर रहे हैं इसी गौशाला के अंदर। तो हम गौ माता की कृपा से बहुत बहुत उसको आभार व्यक्त करते हैं कि हमें ये सम्मानित करते हैं। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इसी गौशाला के अंदर ये सम्मानित करने जा रहे हैं। इधर वो हमारे गांव के ही रहने वाले भंवरदास जी भी हमारे साथ में हैं और भी सारे मितासर गांव के जो युवा है, और बहुत बहुत भारी गौ माता की कृपा होती है तभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। जय गौ माता की। और 5 मिनट तक वीडियो चल रही है, बंद और कर दियो सम्मानित। ये भंवरदास जी को अभी भगदी महाराज है वो गौशाला के लिए सम्मानित करने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये भगदी महाराज भंवरदास जी स्वामी गांव राजासर वाले है उसको सम्मानित कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, गौ माता की कृपा उस पर बनी रहे। यही है जो गौ माता का जो यहाँ पर गांव मितासर की जो गौशाला है उसका दृश्य यही है। यहाँ पर पूरा दृश्य मैं वीडियो आपको अपलोड करके यहाँ दिखा दिया। और ये हमारा भगदी महाराज है यहाँ पर, और बहुत बहुत यहाँ पर हम उसको बधाई देते हैं सारे मितासर वासियों को कि इतना बड़ा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं और बहुत कठिन है ये कार्य होना। जय इन साथियों, जय गौ माता की। अब ले जा तेरा मोबाइल पर का चंदन ले लियो अंगनो। और भगदी महाराज आप हमें भी थोड़ा क्या की आशीर्वाद देते रहना, और हम आपसे और भी आगे से मुलाकात करेंगे। आशीर्वाद देने वाले।